चलते हैं जहां बीएचयू में पीएम मोदी काशी को 500 करोड़ का रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं। आप संबोधन सुन सकते हैं मोदी का। प्रयास कर रहे हैं वो उसकी परंपराओं को संजोते हुए, उसकी पौराणिकता को बचाते हुए किया जा रहा है। अनंत काल से जो इस शहर की पहचान रही है उसे सुरक्षित करते हुए इस शहर में आधुनिक व्यवस्थाओं का समावेश किया जा रहा है। सवा चार वर्ष पहले जब काशीवासी बदलाव के इस संकल्प को लेकर निकले थे, तब और आज में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। दिखता है ना? अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? बदलाव नजर आ रहा है, धरती पे परिवर्तन दिख रहा है। धन्यवाद। वरना आप तो उस व्यवस्था के गवाह रहे हैं जब हमारी काशी को भोले के भरोसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया। आज मुझे बहुत संतोष है कि बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से हम वाराणसी को विकास की नई दिशा देने में सफल हुए। वरना वर्षों पहले के वो भी दिन थे जब काशी की ध्वस्त हो रही व्यवस्थाओं को देखकर यहां आने वाले हर व्यक्ति का मन उदास हो जाता था। बिजली के तारों के जाल उसी की तरह ये शहर भी अपनी अव्यवस्थाओं में उलझा हुआ था। और इसलिए मैंने ठाना था कि काशी की चौतरफा अव्यवस्था को चौतरफा विकास में बदलना है। आज काशी में हर दिशा में परिवर्तन हो रहा है। मुझे याद है सांसद बनने से पहले भी जब मैं यहां आता था तो शहर भर में बिजली के लटकते तारों को देखकर हमेशा सोचता था कि आखिर कब बनारस को इससे मुक्ति मिलेगी। आज देखिए शहर के एक बड़े हिस्से से लटकते हुए तार गायब हो गए, बाकी जगहों पर भी इन तारों को जमीन के भीतर बिछाने का काम तेजी से जारी है। आज बिजलीकरण से जुड़े जिन 5 बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है उनमें पुरानी काशी को बिजली के लटकते तारों से मुक्ति का भी काम उसमें शामिल है। इन सभी प्रोजेक्ट से वाराणसी शहर के अलावा आसपास के अनेक गांवों को पर्याप्त बिजली देने का लक्ष्य को और बल मिलने वाला है। इसके अलावा आज एक और विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास भी किया गया है। जब ये तैयार हो जाएगा तो आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र को कम वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। साथियों, वाराणसी को पूर्वी भारत के गेटवे के तौर पर विकसित करने का भरसक प्रयास हो रहा है और इसलिए सरकार की प्राथमिकता
वाराणसी को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की है। 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप ट्रांसपोर्ट हो, मेडिकल सुविधाएं हो, शिक्षा सुविधाएं हो, सभी का विकास किया जा रहा है। आज काशी एलईडी की रोशनी से जगमगा रही है, शहर की सड़कों उस पर रात में भी मां गंगा का प्रभाव सा दिखता है। एलईडी बल्ब से रोशनी तो हुई है, आप लोगों के बिजली के बिल में भी बहुत कमी आई। वाराणसी नगर निगम ने एलईडी बल्ब लगने के बाद करोड़ों रुपयों की बचत की। साथियों, 4 वर्ष पहले जो काशी आया था वो जब आज काशी को देखता है तो उसे नई सड़कों का विस्तार होता हुआ दिखता है। बरसों से बनारस में रिंग रोड की चर्चा हो रही थी, लेकिन इसका काम फाइलों में दबा हुआ था। 2014 में सरकार बनने के बाद काशी में रिंग रोड की फाइल को फिर से निकाला गया, लेकिन यूपी में पहले की सरकार ने इस प्रोजेक्ट में गति नहीं आने, उनको चिंता हो रही थी कहीं ये काम हो गया तो मोदी का जय जयकार हो जाएगा, और इसलिए दबा करके बैठे थे। लेकिन जैसे ही आप सबने योगी जी की सरकार बनाई, सरकार बनने के बाद अब ये काम बहुत तेजी से पूरा किया जा रहा है। हरहुआ से गाजीपुर तक 4 लेन सड़क का काम लगभग पूरा होने को है। हरहुआ से राजा तालाब और चंदौली तक एक नए सर्किट को तैयार करने पर तेजी से काम चल रहा है। इस रास्ते में गंगा पर एक पुल भी बनाया जाएगा, जिससे बनारस में आने वाले बड़े ट्रकों की संख्या कम हो जाएगी। साथियों, काशी रिंग रोड के निर्माण से सिर्फ काशी नहीं, आसपास के अनेक जिलों को भी लाभ होने वाला है। बिहार, नेपाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, वहां जाने के लिए यहां से निकल रही सड़कों का बहुत ही महत्व है। यही कारण है कि वाराणसी शहर के भीतर और वाराणसी को दूसरे राज्यों से जोड़ने वाली सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है, उनको विस्तार दिया जा रहा है। वाराणसी हनमना यानी नेशनल हाईवे नंबर 7, वाराणसी सुल्तानपुर मार्ग, वाराणसी गोरखपुर सेक्शन, वाराणसी हंडिया सड़क संपर्क भी हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, बनारस के भीतर भी हजारों करोड़ रुपए की अनेक सड़क परियोजनाएं चल रही है। महमूरगंज से मनुवाड़ी आने जाने वालों को पहले कितनी दिक्कत होती थी, स्कूल आने जाने वाले बच्चों का किस प्रकार मुश्किलें झेलनी पड़ती थी, ये भी आपको याद कराने की जरूरत नहीं है। वर्षों के इंतजार के बाद मनुवाड़ी फ्लाईओवर का काम भी पूरा हो चुका है। वहीं गंगा नदी पर बने सामने घाट पुल के पूरा होने से रामनगर
आसान हुआ है। शहर का अधूरा पुल जितना पुराना था उतनी ही पुरानी उसे चौड़ा करने की मांग। कई दशकों से अधूरा पुल को चौड़ा पुल करने का काम अटका हुआ, इस काम को भी पूरा किया गया। इसके अलावा भोजुमेर सिंधौरा मार्ग को चौड़ा करने का काम, शिवपुर फुलवरिया मार्ग को फोरलेन करने का काम, राजा तालाब पुलिस चौकी से दक्षिणी तक सड़क के चौड़ीकरण का काम हो, शहर के अलग अलग हिस्सों में आज तेज गति से काम चल रहा है। आस्था और पर्यटन की दृष्टि से अहम पंचकोसी मार्ग के विकास का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। मावतपुर से कटहरी मार्ग तक बन रही सड़क पर लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पहले ये सड़क कितनी संकरी थी इससे आप सभी बड़ी भांति परिचित हैं। कुछ ही मिनटों का रास्ता तय करने में घंटों का समय लग जाता था। भारी जाम के कारण कई बार फ्लाइट तक ट्रेन तक छूट जाती थी। जब से ये सड़क पूरी तरह से तैयार हो जाएगी तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिलना सुनिश्चित है। साथियों, वाराणसी में हो रहे विकास के गवाह यहां एयरपोर्ट पर आने वाले लोग भी बन रहे हैं। हवाई जहाज से बनारस आने वाले लोगों और टूरिस्टों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 4 साल पहले जहां बाबतपुर एयरपोर्ट पर 8 लाख लोग आते जाते थे, अब ये आंकड़ा 21 लाख पहुंच गया है। स्मार्ट बनारस में स्मार्ट परिवर्तन हो, इसके लिए ट्रांसपोर्ट के हर तरीके को आधुनिक बनाने का काम हो रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था को इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि किसी एक परिवहन व्यवस्था पर बोझ न पड़े। यहां बन रहा इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर पूरे शहर के प्रशासन और पब्लिक सुविधाओं पर नियंत्रण करने वाला है। बनारस और बनारस में तेजी से बन रही मल्टी मॉडल टर्मिनल का काम पूरा होने पर ये शहर ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक के बड़े हब के तौर पर भी उभरने वाला है। इससे